हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग देसी। मैं हूँ बिलाशा और आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो है ओपन पोर्स के लिए। लाइक हियर वी गेट ओपन पोर्स मोस्टली ऑन द चीक्स। तो इसका वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है टू पोस्ट दिस वीडियो। एंड हियर इज़ अ वेरी सिंपल रेमेडी विच आई विल शेयर विथ यू। ये मोस्टली हमारे घर में अवेलेबल होता ही है, ये सारे जो भी मैं इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज़ करूँगी। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो जो आपको ये फेस पैक लगाने के बाद में जो बेनिफिट्स आपके स्किन पे होंगे। प्लस देर आर सम थिंग्स विच वी नीड टू अवॉइड ऑल्सो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए तो आपके साथ में वो भी मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वो, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो उसका भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। व्हाट इज़ द स्किन प्रॉब्लम एंड व्हाट आर यू फेसिंग अबाउट द स्किन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप यूज़ कर सकते हैं बेसन। तो यहाँ मैं लूँगी 2 स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। एंड नाउ वी विल ऐड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ क्यूक्यूम्बर जूस। तो मैंने यहाँ पील के साथ में ही क्यूक्यूम्बर को ग्रेट कर लिया है, खीरे को ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसका जूस जो है वो स्ट्रेनर की हेल्प से निकालूंगी। क्यूक्यूम्बर इज़ वेरी गुड फॉर आर स्किन। आप इसको रेगुलर बेसिस पे सिर्फ जूस भी अगर अप्लाई करेंगे आपके फेस पे तो भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच वी विल ऐड इज़ टमेटो जूस। तो मैं यहाँ 1 स्पून टमेटो जूस ले रही हूँ एंड नेक्स्ट इज़ लेमन। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा फेस पैक जो है वो बिल्कुल रेडी है। क्यूक्यूम्बर, लेमन एंड टमेटो, ऑल थ्री आर वेरी गुड फॉर आर स्किन। आप ये तीनों का जूस मिक्स करके भी सिर्फ फेस पर लगाएंगे एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स। जो मुल्तानी मिट्टी होती है यानी फुलर्स अर्थ होती है वो हमारे स्किन से, हमारे फेस से एब्जॉर्ब करती है ऑयल और अदर इम्प्योरिटीज़ जो हमारी स्किन में अंदर तक क्लेंस करते हैं और हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमने ऐड किया है क्यूक्यूम्बर, वो भी विटामिन सी में बहुत ही रिच है और हमारी जो भी इरिटेटेड स्किन होती है या जो हमें जो स्किन पे पिंपल्स होते हैं या रैशेज होते हैं उनको ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये ओपन पोर्स के लिए स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल होती है। टोमेटोज़ में भी होते हैं विटामिन सी और पोटेशियम जो हमारी स्किन के लिए या ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हेल्प करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज़ लेमन जूस जो हमारे पोर्स को श्रिंक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है नेचुरली। इसमें भी विटामिन सी होता है और हमारी स्किन को ये नेचुरली वाइटन करने में या ग्लोई बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम इस फेस पैक को रखेंगे 10 मिनट्स के लिए या अंटिल इट इज़ ड्राइड अप एंड नाउ वी विल वॉश इट ऑफ विथ नॉर्मल वाटर। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो आया है आफ्टर यूजिंग ओनली फॉर वंस। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर वीकली 2 टाइम्स भी अगर करेंगे तो यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स वेरी सून एंड देन अप्लाई द मॉइस्चराइजर। सम थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर फॉर ओपन पोर्स इज़ यूज़ अ वेरी गुड टोनर बिफोर मॉइस्चराइजिंग योर फेस जो आपके स्किन को अंदर से बहुत ही क्लीन करेगा और जो ओपन पोर्स है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और हमेशा सनस्क्रीन लगाइए क्योंकि अगर हम घर में रहते हैं तभी भी हम सनस्क्रीन को अवॉइड कर देते हैं। वैन वी गो आउट ओनली देन वी अप्लाई सनस्क्रीन, बट वी नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन इवन एट होम एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। So see you in my next video. Till then, bye bye. Take care of yourself and your family and do watch Vlogging Desi and keep watching it. Bye.